आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसा हैमर जिसमें से आप सच में थॉर की तरह बिजली निकाल पाओगे। और ये चेन जो है बॉटल को हवा में कैसे टांगे है, गिर क्यों नहीं रही है, और इस क्यूट रोबोट डॉगी को कौन कौन पालना चाहेगा, तो इन सारे गैजेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। प्लस इन्हें आप इजिली अमेजोन से बाय भी कर सकते हो, लिंक्स इनकी हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से चेकआउट कर लेना। वेलकम मेरे दोस्तों टू गैजेट जोन। अब जो मुझे इस सवाल का जवाब देगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा। तो बताओ ये चेन इस भारी सी बॉटल को एयर में होल्ड करके रखे हुए है और गिर भी नहीं रही है, ना बॉटल गिर रही है और ना ही चेन, ऐसा कैसे कर रही है, ये मैजिक है इसके पीछे या फिर साइंस, कमेंट करके मुझे बताओ। और इसका सीक्रेट अगर आपको नहीं पता तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आप अपने घर में एक डॉगी पालना चाहते हो बट उसे पालने की बात करते ही मम्मी झाड़ू लेकर दौड़ा लेती हैं, तो ये डॉग ई ले आओ। ये एक रोबोटिक पपी है दोस्तों जिसमें बहुत सारे कूल फीचर्स हैं। सबसे पहले तो गाइस इसकी आंखों से लेकर इसकी पूंछ तक में लाइट्स ही लाइट्स लगी हैं, वो भी कलरफुल। इसके हेड पर जैसे ही आप हाथ फेरोगे ये खुश हो जाएगा और पूंछ हिलाने लगेगा, बिल्कुल एक रियल पप की तरह। ये आपके साथ खेलेगा, आप इसे अपने स्मार्टफोन से वर्चुअल ट्रीट्स भी खिला सकते हो और फोन से ही इसे काफी सारी कूल ट्रिक्स भी करवा सकते हो आप। इसके लेग्स का मूवमेंट भी एग्जैक्टली एक रियल पपी की ही तरह होता है और बहुत नेचुरल भी लगता है। किड्स के लिए ये एक परफेक्ट कंपेनियन है, देखा जाए तो किड्स इसके साथ सारा दिन खेलते रहेंगे जिससे वो एक्टिव भी रहेंगे और उनका एंटरटेनमेंट भी चलता रहेगा। अब ये कारिस्तानी देखो, कूल है ना। वेल ये अतरंगी गैजेट है पिंडलू, इधर से डालू उधर से निकालू, ना ही ये रिचार्जेबल है और ना ही इसमें कोई इंटरनेट लगता है, ना ही ये स्मार्ट है, लेकिन फिर भी फन इसमें इतना है कि इसमें आप पूरा दिन भी लगे रहोगे तो भी बोर नहीं होने वाले। ये एक पाइप शेप्ड डिवाइस है दोस्तों जिसमें से बॉल एक एंड से एंटर करके दूसरे एंड से काफी तेज स्पीड के साथ निकलती है। अब सुनने में ये बहुत ईजी एंड सिंपल लगता है और सिंपल है भी, जब बार बार बॉल इसमें एंटर करती है फिर निकलती है फिर एंटर कर जाती है तो एक तरह का लूप क्रिएट हो जाता है। और भाई बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर आप इससे नजरें ही नहीं हटा सकते क्योंकि जरा सा चूके तो बॉल इसमें जा ही नहीं पाएगी। इसे मास्टर करने में आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसमें करने के लिए बहुत सारी कूल ट्रिक्स हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन सी ट्रिक्स कर पाते हो। जब भी कहीं घर से बाहर निकलो घूमने वगैरह जाओ तो इसे बैग में डाल लो और बोर होते टाइम बस इसे निकालो और प्रैक्टिस शुरू, और एक बार इसे मास्टर कर लिया फिर तो भाई मजे ही मजे हैं। अब स्कूल व्हीकल को देखो और बताओ कि ये एक ई बाइक है, बाइक है या फिर मोटरसाइकिल है, समझ नहीं आ रहा है ना। वेल ये एक ई बाइक है दोस्तों जो देखने में बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगती है। इसका डार्क ब्लैक कलर और उसमें भी इसके फ्रेम में लगी आरजीबी पैनल्स इसे और भी औसम बना देते हैं और इसकी स्पीड सुनकर तो आप सच में चौंक जाओगे। इस इलेक्ट्रिक बाइक की टॉप स्पीड 65 माइल्स पर आवर तक जा सकती है, यानी हमारी नॉर्मल जो मोटरसाइकिल्स होती है ना उनके बराबर और उनसे ज्यादा भी, और ये सब बिना पेट्रोल के खर्चे की टेंशन के। इसमें आपको पीछे एक पैसेंजर सीट भी मिल जाएगी तो दोस्तों के साथ मस्त घूम सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो इसमें 360 इंडिकेटर्स होते हैं और इसका डुअल सस्पेंशन इसकी राइड को बहुत बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना देता है। तो भाई इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको स्पोर्टी लुक्स भी मिल जाएंगे और एक नॉर्मल बाइक से कहीं ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं बिना किसी फ्यूल के खर्चे के टेंशन के, बस चार्ज करो और निकल पड़ो। अब मिलिए मॉक्सी से जो किड्स के लिए एक परफेक्ट एआई रोबोट है। ये इंटरैक्टिव है, आपसे बात कर सकता है, आप इसे जो भी पूछोगे उसका ये जवाब भी दे देगा। इसके पैर नहीं होते तो ये चल तो नहीं सकता, एक जगह पर ही रखा रहेगा, लेकिन अपने छोटे छोटे क्यूट हैंड्स को ये बातचीत के दौरान बहुत यूज करता है। ऊपर इसमें एक डिस्प्ले होती है जिस पर इसका फेस शो होता है और फेस भी इसका बहुत एक्सप्रेसिव है जिसमें ये अपने सारे इमोशंस को हम इंसानों की ही तरह शो कर पाता है और फेस पर चलने वाले एनिमेशंस भी बटर स्मूथ होते हैं। बोलते टाइम ये जो भी बोलता है इसके लिप्स भी उसी हिसाब से मूव करते हैं। एक बार इसे बोलते हुए सुनो आप। Yeah, I think that makes sense. ये किड्स के लिए फन एंड एंटरटेनमेंट से लेकर उनकी स्टडी एंड लर्निंग में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि गाइज ये एक हाईटेक रोबोट है तो डेफिनेटली किड्स भी इसे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और एक्चुअल में इसकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी क्योंकि इसका बिहेवियर ही बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहता है। मूवीज में तो आपने रोबोट्स की फाइट बहुत देख रखी होगी, लेकिन ऐसे ही रोबोट्स की फाइट आपको भी करानी है तो अपने पास इसका भी जुगाड़ है, मीट रोबो कॉम्बैट टॉर्नेडो रोबोट्स। बस इन चार कूल फाइटर रोबोट्स में से अपना फेवरेट चूज करो, फिर सब लोग अपने अपने रोबोट्स को रख लो टेबल पर, टेबल को बना लो WWE रिंग और फाइट शुरू। इन रोबोट्स की फिस्ट एकदम बिग एंड सॉलिड होती है और इनकी अपर बॉडी भाई इतनी तेजी से रोटेट करती है कि एक भी पंच किसी दूसरे रोबोट के पड़ेगा ना वो तुरंत ही वहीं पर ढेर हो जाएगा। इन रोबोट्स को आप अलग से आर्मर्स भी पहना सकते हो ताकि एक ही पंच में वो बेहोश ना हो जाए, और फाइट चाहे दो रोबोट्स की कराओ या 10 की, फाइनली तो एक ही रोबोट जीतेगा जो कि लास्ट तक रिंग में खड़ा रहेगा।
अगर आपने डेस्पिकेबल मी और मिनियंस ये मूवीज देख रखी हैं, तो आपको ये फार्ट गन तो याद ही होगी, जिसका ट्रिगर दबाते ही ये गन बहुत तेजी से बदबू फैला देती थी। तो गाइज ऐसी फनी गन सच में बन गई है, ये है फायर एंड फायर फार्ट गन ब्लास्टर। और इसे चलाने के लिए आपको इसका ट्रिगर होल्ड करना है और उसके साथ ही इसका फ्रंट हैंडल पकड़कर उसे आगे पीछे करना है। ऐसा करने पर इससे अलग अलग तरह के फार्ट साउंड्स आने लगते हैं और केवल ट्रिगर को प्रेस करने पर इसमें से मिनियंस के हंसने की आवाज भी आती है। इसमें 20 से भी ज्यादा साउंड्स होते हैं और स्पीकर पीछे की तरफ मौजूद रहता है। और अगर इसे और भी फन बनाना है तो बस इसमें वाटर ऐड कर लो और फिर इसमें आगे साइड से एक हल्का सा पानी का फव्वारा जैसा निकलता है, एक तरह की मिस्ट। तो भाई दोस्तों पर प्रैंक करने के लिए इससे अच्छा गैजेट तो हो ही नहीं सकता। अब ये वाला प्रोडक्ट देखकर आपको अपने चाइल्डहुड की याद तो जरूर से आ जानी चाहिए, बिकॉज छोटे में हम ऐसे ही बैलेंस बर्ड्स को अपने घर में रखते थे। पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपके चाइल्डहुड का ये कूल टॉय याद है आपको या नहीं, और इफ याद है तो उन बचपन की मेमोरीज को आप आज भी ले सकते हो। ये भी आपको अमेजोन पर काफी कम प्राइस पर मिल जाएंगी इनकी, और बाकी सारे गैजेट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं। सो ये बैलेंस बर्ड्स, इनकी बीक यानी इनकी चोंच को आप अपनी फिंगर से लेकर सुई की नोक पर भी रख दोगे ना, तो भी ये ऐसे ही परफेक्टली बैलेंस होकर फ्लोट करती रहेंगी, गिरेंगी नहीं। लिटरली कहीं पर भी इन्हें रख दो, ये ऐसे ही फ्लोट करती रहती हैं। बाय द वे आपको इन्हें रखने के लिए इनके साथ एक पिरामिड शेप वाला स्टैंड भी मिल जाएगा दोस्तों। वही अगर आपको पजल टाइप के गेम्स पसंद है तो गाइकर सुपर स्लाइड आपके लिए ही बनाए। एक ऐसा ही गेम जब हम छोटे थे तब भी खेला करते थे, बट वो थोड़ा सिंपल था, ये वाला थोड़ा सा हाईटेक है। इसमें कई सारे कलरफुल ब्लॉक्स इस बोर्ड में लगे रहते हैं और ऊपर इसी बोर्ड में एक डिस्प्ले और कुछ बटन्स होती हैं, जिनसे आपको जो भी गेम खेलना हो वो सेलेक्ट कर सकते हो आप। बहुत सारे गेम्स इसमें इनबिल्ट रहते हैं, सो बेसिकली आपको इन ब्लॉक्स को स्लाइड करते हुए इस रेड वाले ब्लॉक को इसके टारगेट पोजीशन पर पहुंचाना होगा और आप गेम जीत जाओगे। और ये तो गेम का सिर्फ एक एग्जांपल था, ऐसे ही बहुत सारे कूल गेम्स इसमें एंजॉय कर सकते हो आप टाइम पास एंड फन के लिए, ये भी काफी कूल चॉइस रहेगी। अब वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बिजली निकालने वाला थॉर का जो हैमर दिखाया था, वेल वो बिजली उस हैमर से नहीं बल्कि इस टेस्ला कॉइल से निकल रही थी दोस्तों। ये भी काफी कूल गैजेट है, स्पेशली अगर आपको साइंस और खासकर फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो टेस्ला कॉइल में कुछ इस तरह से स्पार्क्स इमर्ज होते हैं, और भाई ये वाली तो और भी धांसू है क्योंकि ये म्यूजिक रिएक्टिव होती है, यानी म्यूजिक खुद से ये बजा देती है। ये सुनो, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आप इस कॉइल के पास लाओगे, लाइटिंग इससे निकलकर उस तक पहुंच जाएगी। हालांकि इससे आपको झटका तो नहीं लगेगा, फिर भी इसे संभाल कर यूज करना पड़ेगा आपको। और गाइस म्योलनिर के साथ तो ये सच में ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर देती है जिसे देखकर यही लगता है कि बिजली सीधे सीधे म्योलनिर से ही निकल रही है। और दोस्तों अब बारी है इस चेन के सीक्रेट को रिवील करने की, कि कैसे ये चेन इतनी बड़ी बॉटल को हवा में टांगे भी हुए और गिर भी नहीं रही है। तो इफ आपको जवाब पता होगा तो आपने कमेंट कर ही दिया होगा, एंड इफ नहीं पता तो क्या ही टेंशन है, मैं किस लिए हूँ यहाँ। सो गाइज इस चेन को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जब इसमें बॉटल को ऐसे इंसर्ट किया जाता है तो बॉटल का वेट और चेन का वेट दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और पूरी चेन ये जो है ये सॉलिड है, बस आगे के थोड़े से पार्ट को छोड़कर। उसे सॉलिड इसलिए नहीं रखा जाता ताकि उसे हल्का सा जब आप हिलता डुलता हुआ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी चेन ही नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं है, पूरी चेन नॉर्मल नहीं है, पूरी चेन एकदम सॉलिड है, सिर्फ आगे का हिस्सा नॉर्मल है और बाकी का खेल है बैलेंस का। सो गाइस मजा तो आया ही होगा, और इफ आया है तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी करके लाइक, चैनल कर दीजिए सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले गैजेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।